Hello everyone, once again welcome in my YouTube channel. Myself Akash Pandey. Today's video lecture is related to honeycomb, creep and shrinkage. बहुत से लोगों को पता होगा honeycomb क्या होता है, creep क्या होता है और shrinkage क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इससे बच सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज की पीपीटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने पिछले वीडियोस को लाइक किया है, उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं व्हाट इज हनीकॉम्ब एंड व्हाट इज क्रीप एंड व्हाट इज श्रिंकेज। ओके, सो जस्ट मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, स्क्रीन एंड जस्ट नीड अ पॉइंटर। सो आई गॉट, या हनीकॉम्ब, क्रीप एंड श्रिंकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हनीकॉम्ब, सो लेट्स सी हियर। हॉलो कैविटीज और वॉइड्स लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट called honeycomb, as look like bee honeycomb. मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको क्लियर समझ जाएगा व्हाट इज हनीकॉम्ब। लूजली कॉम्पैक्टेड एरिया विद एक्सपोज्ड एग्रीगेट कैन बी सीन। अगर आपने सही से कॉम्पैक्ट नहीं किया है तो एग्रीगेट दिखने लगता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं हनीकॉम्ब। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, प्रॉपर ये हनीकॉम्ब का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, प्रॉपर यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से स्टील की ओर दिख रहा है, मींस इसमें खोखला हो रहा है और धीरे धीरे अगर ये निकलता जाएगा तो हनीकॉम्ब दिखने लगेगा। ऐसा जहां पे भी है ये बहुत ही डेंजर है आपके स्ट्रक्चर के लिए। इवन अगर आपको स्टील दिख रहा है, इसका स्टील दिख रहा है, तो रूल तो ये होता है कि उस कॉलम को वहीं से कट कर दिया जाए, क्योंकि अगर स्टील दिख रहा है मतलब स्टील में करोजन हो चुका होगा और स्टील करोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो अंदर ही अंदर पूरी पूरी स्टील खराब हो सकती है। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हनीकॉम्ब। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बीम में देखा होगा, कॉलम में भी देखा होगा, स्लैब में भी कभी कभी दिखता है। चलिए नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ हनीकॉम्ब। पुअर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, जैसा मैंने आपको बोला। पुअर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, आपने वर्केबिलिटी चेक किया, स्लम टेस्ट उससे कम आ रहे फिर भी आप यूज कर रहे, तो ऐसे प्रोसेस के कारण क्या होता है उसमें हनीकॉम्ब आ जाता है। इम्प्रॉपर वाइब्रेशंस ड्यूरिंग कॉस्टिंग, जब कॉस्ट करते रहते हैं उस टाइम पे ध्यान नहीं देते और प्रॉपर लेवल क्या होते हैं वाइब्रेशन सही से नहीं करते, वाइब्रेट सही से नहीं करते तो कंक्रीट पे सेटलिंग नहीं हो पाती है, उसको भी हमें ध्यान देना है। इफेक्ट क्या होगा उसका, फर्स्ट इफेक्ट तो एस्थेटिक, देखने में गंदा लगने लगेगा। बेक ऑफ फिनिश कंक्रीट लाइनिंग लुक बैड, अच्छा नहीं दिखेगा। रिड्यूस एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट, यार सीधी सीधी बात है, अगर हमारे बॉडी में भी अगर कहीं पे घाव हो जाए तो हम कैसे फुल स्ट्रेंथ से किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। सेम कंक्रीट को घाव होता है, यही हनीकॉम्ब होता है, तो अगर वो उसमें कहीं पे घाव हुआ तो फुल स्ट्रेंथ कहां से दे पाएगा वो। एडवर्स ड्यूरेबिलिटी इश्यूज, लाइफ तो उसकी कम होगी ही होगी क्योंकि उसको रोग हो जाएगा। एज दे अलाउस एयर वाइड्स एंड मॉइस्चर्स इट लीड्स टू करोजन एंड एक्सपोज्ड एंगल्स, तो जैसा मैंने बोला उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके नाउ रिपेयरिंग कैसे करना है, इंस्पेक्ट द हनीकॉम्ब एरिया एंड मार्क द बाउंड्रीज ऑफ रेगुलर शेप। सपोज इतने एरिया में हनीकॉम्ब है तो इस तरीके से आप मार्क कर लो, चौक से कर लो, मार्कर से कर लो, जिससे भी आपको अवेलेबल हो। चीप द लूज कंक्रीट मिक्स विद मशीन, मशीन मतलब होता है एक सीमेंट गन होती है, सीमेंट गन मशीन होती है जिसे ग्राउटिंग गन भी बोलते हैं, उसमें हम लोग 1:3 का मोर्टार लगाते हैं और उस मोर्टार से हम लोग जहां जहां पे भी हनीकॉम्ब हुई रहती है उसको फिल करते हैं। Exposed reinforced shell be coated with an anti-corrosion paint. मान लीजिए आपने देखा कि हनीकॉम्ब वहां पे आ चुका है और आपके पास तुरंत ही उसको क्लोज करने का संसाधन नहीं उपलब्ध है, इस टाइम पे आपको मार्केट से एंटी करोजन पेंट लाना चाहिए और उस पेंट को पेंट कर देना चाहिए जिससे कि वो हमारे एयर के साथ रिएक्शन न कर पाए, एयर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर करोजन जल्दी नहीं आएगा। ओके नाउ चीप सरफेस सेल भी क्लीन फ्री ऑफ डस्ट, खुला रहेगा तो उसमें डस्ट आ जाएंगे, फिर उसके बाद अगर आपने ग्राउटिंग किया है 1:3 से तो उतना अच्छा पंप मतलब आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको क्या करिए फ्री ऑफ डस्ट कर दीजिए, मींस साफ कर दीजिए। यूज हाई स्ट्रेंथ एंड नॉन सिंक्रेजेबल रिंग रिपेयरिंग मोटर, जैसे मैंने बोला हाई ग्रेड का 1:3 का वैसे हम लोग यूज करते हैं। अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट फॉर बेटर बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। बॉन्डिंग एजेंट मतलब अब जैसे कि सोडियम सिलिकेट है, मतलब अच्छे अच्छे हमारे जो एजेंट्स हैं उन सब एजेंट्स को हम लोग यूज करके, मतलब एडमिक्सचर्स जिसको बोलते हो आप लोग, एडमिक्सचर्स को ऐड करके हम लोग इसको बना सकते हैं। मिक्स
कंस्ट्रक्शन सीमेंट एंड वाइब्रेट इट प्रॉपरली, जो भी हमने बनाया है उसको सही से मिक्स करना है और उसके बाद लगाते टाइम वाइब्रेट करना है उसको। अप्लाई क्यूरिंग एजेंट टू कंप्लीट रिपेयरिंग। देखो क्यूरिंग एजेंट क्यों अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर क्यूरिंग करते हो तो सीमेंट सही से हाइड्रेट होता है। सीमेंट हाइड्रेट मीन्स सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए क्यूरिंग बहुत ही जरूरी है आपके घर को बनाने में, तो क्यूरिंग का आपको स्पेशल ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रीप। एक डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है परमानेंट डिफॉर्मेशन, अदरवाइज यू कैन से इन इजी वर्ड कि मटेरियल सब्जेक्टेड टू हाई और लो टेम्परेचर अंडर गोस ट्रीप, या परमानेंट डिफॉर्मेशन इज एट सर्टेन लोड ऑफ पीरियड या एज ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप। प्रिकॉशन, बचना कैसे, यूज स्पेशल टेम्परेचर रेजिस्टिंग मटेरियल लाइक सुपर एलॉयस। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम लोग जैसे कि क्रीप क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, अगर उसी एज पे सर्टेन मतलब कि जो आपने लोड स्टार्ट किया था उसी एज को, मान लीजिए आपने जब ब्रिज को स्टार्ट किया था आपने बोला कि 200 ब्रिज ट्रक्स इसमें डेली पास हो सकते हैं, बट क्या 60 ईयर्स के बाद उस पर वही स्ट्रेंथ रहेगी? नहीं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, एज ऑफ लोडिंग की कम करनी चाहिए, जो लोग नहीं करते। साथ ही साथ स्ट्रक्चर में टेम्परेचर का वेरिएशन होता रहता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, इंडिया का जैसे अपना इंडिया का जैसे इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हर एक इन्वायरमेंट उसको झेलना पड़ता है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा होती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रीप होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने ऐसा देखा होगा एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड क्रीप, इसी को क्रीप बोलते हैं। देखिए परमानेंट यहाँ पे देखिए डिफॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रीप। फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप, कौन अफेक्ट करता है, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन अगर अच्छे से नहीं बना है, M25 मतलब अगर M25 है मतलब 1.112 का रिएक्शन होना उसमें प्रोपोर्शन रहना चाहिए, अगर नहीं है तो आएगा। एज एट लोडिंग, जैसा मैंने बोला एज के अकॉर्डिंग लोड उसको कम करना है। क्यूरिंग कंडीशन, क्यूरिंग कितने टाइम पे कौन सा करना है उसका ध्यान देना है। टेम्परेचर का वेरिएशन, समटाइम्स होता क्या है कि मान लो आइस एरियाज में जहाँ पे बर्फ पड़ता रहता है, बर्फ पड़ रहा है आपने उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जब ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा कि उसको लोड बढ़ता चला जा रहा है वो उसके साथ, दूसरा उसका जो रीजन हो जाता है ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, और जैसे पानी बरस रहा है, अब पानी को निकालने का वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, उस केस में भी क्या होता है वहाँ पे हमेशा पानी बरसा हुआ है मतलब कि वहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो मॉइस्चर बना रहता है, उसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है। जैसे आप देखिए वाटर सीमेंट रेशियो, ये अगर सही से नहीं बनाया है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, अच्छा डेंसिटी यूज नहीं किया है प्रॉपर डेंसिटी का तो भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है श्रिंकेज, डिक्रीज इन कंक्रीट वॉल्यूम ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ। अब सीधी सीधी बात है कि जैसे कि हमारा मांस है, हमारे बॉडी का मांस है, वो उस ईयर के बाद सिकुड़ जाता है, इसी प्रकार से हमारा जो कंक्रीट है ये भी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये सिंकेज हो जाता है। दिखाता हूँ कैसे, लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की कमी हुई तो हो जाता है। आपने ऐसा देखा होगा हर जगह पे, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ऐसा देखा होगा हर जगह पे, इसकी वजह से होता है सिंकेज। ऐसा देखा होगा स्लैब्स के अंदर क्रैकिंग देखा होगा, इसका ग्राफ है लीनियर कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या हो रहा है, एज ऑफ लोडिंग बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, श्रिंकेज बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, श्रिंकेज बढ़ रहा है। टाइप्स ऑफ श्रिंकेज, ऑटोजीनियस, ये क्या होता है, वाटर लॉस एज सीमेंट इज हाइड्रेटेड, सीमेंट से वाटर पूरा निकल जाता है तो एकदम सूखा जाता है, सूख जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोजीनियस श्रिंकेज। ड्राइंग, वाटर लॉस फ्रॉम इंटीरियर कंक्रीट टू एक्सटीरियर, क्या होता है अंदर से ही पानी खत्म हो गया है, अंदर का पानी पूरा सोख लिया, बाहर उसको बाहर के मटेरियल को अच्छे से पानी नहीं मिला तो उस केस में क्या होता है, ड्राइंग श्रिंकेज हो जाता है। केमिकल, हाइड्रेटेड प्रोसेस रिएक्ट विद CO2 एंड डिक्रीज इन साइज, क्या होता है जैसे कि हमने स्लैब बना दिया, स्लैब बनाने के बाद उसको ऐसे खोल दिया, उसको कवर नहीं किया स्लैब को, जब हम लोग नया नया स्लैब रहता है तो जब कवर नहीं किया तो उसने क्या किया, CO2 से बाहर के एनवायरमेंट से रिएक्शन कर लिया, और जब रिएक्शन कर लेता है तो उसे बोलते हैं केमिकल श्रिंकेज। थर्मल, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, अब कभी ठंडी पड़ रही कभी गर्मी पड़ रही उसकी वजह से भी उसमें क्या होती है, क्रैकिंग्स आ जाती है, इसको हम लोग थर्मल बोलते हैं। उसके बाद प्लास्टिक है, कंक्रीट श्रिंक ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू आवर्स रिजल्टिंग ऑफ क्रैक, वही जैसे मैंने बोला केमिकल प्रोसेस की वजह से, अभी सही से उसने जब रिएक्शन कर लिया क्या बोलते हैं एनवायरमेंट के साथ तो क्या होता है वो प्लास्टिक श्रिंकेज हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको प्रिवेंशन दिखाता हूँ मैं। अवॉइड यूज ऑफ वार्म वाटर एंड वार्म एग्रीगेट, होता क्या है आप गिट्टी को क्या करते हो, कंक्रीट को क्या करते हो, एग्रीगेट को कहीं पे भी फेंक देते हो रोड पे, और वाटर को कहीं ठंडे जगह पर रख दिया है
अब जो दोनों का रिएक्शन होता है तो सही से वो हाइड्रेट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज आ जाता है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर को दोनों को रखना है। कवर स्लैब बाय प्लास्टिक सीट, क्यों? क्योंकि मैंने बोला CO2 से रिएक्शन कर लेगा तो केमिकल श्रिंकेज आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। कीप सरफेस मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग द वाटर, क्या होता है जैसे कि आपने पानी डाला उस पर, पाइप से पानी डाला तो जिस जगह पे आप पाइप पे प्रेशर देंगे उस जगह पे क्या होगा, हॉलो हो जाता है। देखा होगा आपने रियल लाइफ में कभी, आपको अगर आपने गार्डन में अपने वाटर मतलब कि पानी दिया है पौधों को, तो होता क्या है कि जहाँ पे पानी प्रेशर से देते हैं वहाँ पे मिट्टी खाली हो जाती है। उसी तरीके से स्लैब में भी होता है, इसलिए स्लैब में स्प्रिंकुलर यूज करना चाहिए, जिससे कि फोर्स उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो वाटर का फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कहीं पे भी गड्ढे ना हो। यहाँ पे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ श्रिंकेज है, इसमें से सीमेंट कंटेंट, जब सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे और हाइड्रेशन अच्छा होगा तो ऑटोजेनियस श्रिंकेज हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट कंटेंट को भी एक मिक्स प्रोपोर्शन में रखना है। अगर 115 है, M15 है, तो 1:2:4 ही होना है, मतलब इसमें जो सीमेंट रहेगा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर एग्रीगेट का कंटेंट ज्यादा करोगे तो श्रिंकेज हो सकता है, क्योंकि अगर बराबर नहीं रखोगे तो श्रिंकेज होगा। वाटर कंटेंट अगर बढ़ाओगे तो पोरोसिटी बढ़ेगी तो श्रिंकेज बढ़ सकता है, मीन्स जितना वाटर कंटेंट चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो उतना ही रेशियो रखना है। ये था हमारा क्या बोलते हैं कंक्रीट सॉरी हनीकॉम क्रीप एंड श्रिंकेज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ कंक्रीट। अगर आपको एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो नीचे कमेंट करिए कि यस सर आई वांट दिस, एंड साथ ही साथ आप बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक्स पे वीडियो देंगे। अगर आप मेरे सारे सारे वीडियोस को देखेंगे तो मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम में मेरे लेक्चर से मेरे ही लेक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं कोशिश इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूँ अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। जैसे आप लोग देख रहे हो ऐसे ही देखते रहो, बस एक काम करो प्लीज शेयर करो यार, जब शेयर करते हो आप लोग आता है कि चलो अब नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद।